हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हेवंस किचन में। तो आज हम पनीर पिज्जा कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। पनीर, कांदा, चीज, दही, घी, मकई का आटा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, मैदा। अब एक बाउल लेंगे और उसमें सारा मैदा डाल लेंगे। हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून शुगर, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दही डालकर इसे सान लेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल के इसे अच्छे से गून लेंगे। थोड़ी और घी लगा के इसे अच्छे से पैन कर देंगे। अब इसे ढक के रख देंगे कुछ टाइम के लिए। वन टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबल स्पून दही ले लेंगे। वन टेबल स्पून कसूरी मेथी ले लेंगे। अब आधी नींबू लेंगे और इसके सारे रस निकाल देंगे।
अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सारे पनीर डाल लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब इसमें पनीर डाल देंगे। अब हम पनीर को लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा पनीर अच्छे से भून चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम पिज्जा सॉस बनाएंगे, तो इसमें केचप डाल लेंगे। टू टेबलस्पून लहसुन डाल देंगे। टू टेबलस्पून चिली फ्लेक डाल देंगे। वन टेबलस्पून ओरिगेनो, वन टेबलस्पून पिज्जा सीजनिंग डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा पिज्जा सॉस तैयार हो चुका है। अब हम कढ़ाई ले लेंगे और उसमें नमक डाल देंगे और उसे ढक करके रख देंगे गर्म होने के लिए। अब हम डो को फिर से एक बार भून लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें से 1 इंच निकाल के उसे फिर से अच्छे से गून लेंगे। हम जितना अच्छा आटा गूंथेंगे हमारा पिज्जा उतना ही अच्छा फूलेगा।
इसमें मकई का आटा स्प्रेड कर देंगे। अब हमारा बेस बन चुका है, अब हम इसमें कांटे वाली चम्मच से छेद कर देंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पिज्जा सॉस लगाएंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसमें चीज डालेंगे। अब हम इसमें पनीर भी डाल देंगे। अब हम इसमें फिर से चीज डाल देंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे, उसमें थोड़ा घी लगा के प्लेट में निकाल देंगे। अब ये अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसके बीच में कटोरी रख देंगे। और अब पिज्जा भी रख देंगे। अब हम इसे 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे ढक करके रख देंगे। मिनट्स हो चुके हैं, अब आप देख सकते हो कि हमारा पिज्जा कितने अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम पिज्जा को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ओरिगैनो रेड चिली फ्लेक
अब हम पिज्जा को कट कर लेंगे। तो लो, तैयार हो चुका हमारा पनीर पिज्जा।